here once again with the new episode. What my new vlog? तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ. अभी मैंने सोचा काफ़ी दिन गुजर गए हैं, आप लोगों से गपशप नहीं हुई, बहुत से लोगों के मुझे DMs आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, कहाँ है आपका इरम न्यू व्लॉग. तो आज मैं आपको शो करने वाली हूँ अपना फेडोरा बॉक्स, मतलब मेरा मेकअप बॉक्स. दिस इज़ माई मेकअप बैग. तो मैं बताऊँगी आज आपको कि मेरे मेकअप बैग के अंदर है क्या कुछ. एंड दिस इज़ अ वेरी क्विक वन. जब भी मैं बहुत जल्दी में होती हूँ और मुझे रेडी होना होता है, तो जब घर में रेडी होना होता है, देन आई ऑलवेज यूज़ दिस वन. और अगर सडनली मेरा कोई प्लान बनता है आउट स्टेशन जाने के लिए, तो उस टाइम मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मैंने क्या पैक करना है अपने बैग में और क्या नहीं पैक करना मेकअप के लिए. ठीक है, बाकी ड्रेसेस वगैरह का तो एक अलग सीन होता है, मगर मेकअप के लिए बस मैं इस बैग को उठाती हूँ और गाड़ी में उठा के पहन लेती हूँ. तो इसके अलावा जो रेगुलर रूटीन वाला मेरा हैंड बैग है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. बट अभी मैं आपको अपना ये क्विक बैग मेकअप वाला शो कराती हूँ कि इसके अंदर मैंने रखा हुआ है क्या कुछ. और आई लव इट पर्सनली. वैसे ये रिक्वाइज ही बहुत अच्छा है. इसके अंदर बेसिकली 3 मिनी बैग, वन इज़ दिस बिग वन, इसके अंदर एक और है अगर आपको नज़र आ रहा है दिस वन, और इसके अलावा एक ये स्मॉल वाला है. एंड आई लाइक दिस, एंड दिस इज़ फ्रॉम HPTM. हाँ, तो अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, आई विल शो यू. ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने अपने बैग में रखा हुआ है, दिस इज़ माई हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि हाथ हमेशा साफ होने चाहिए, बेशक जितनी मर्जी जल्दी हो. तो सबसे पहले इसको निकालें, हाथों को क्लीन करें, जम्स का सफाया, उसके बाद अब आएंगे मेकअप की तरफ. सो देन आई विल टेक आउट माई दिस वन, जो मुझे किस दिन जब मैं जल्दी जल्दी में भी रेडी हो रही होंगी ना, तो आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करती हूँ. तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें रखा हुआ है मैंने क्या कुछ छुपा के. दिस इज़ माई प्राइमर. आई यूज़ इट फर्स्टली क्योंकि प्राइमर को लगाएंगे, पोर्स बंद हो गए तो ही मेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, प्राइमर यूज़ करें. और अभी इसके अंदर से निकला है मेरा ब्लश, माई मेकअप किट, दिस इज़ द रिवाज वन स्टिक है ये. ठीक है, इसके अलावा मेरा मस्कारा है, आई एम यूजिंग इट, ये अभी अनपैक नहीं किया मैंने, दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल, आई यूज इट. और ये ऑलरेडी जो मैं यूज़ कर रही थी, ये हमेशा मेरे पास पड़े रहते हैं बिकॉज आई जस्ट लव इट. इसको जब मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे इवन पर्सनल अपने एक्स्ट्रा आई लैश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर कोई शादी हो या कोई बड़ा कोई हो, ऑन दैट टाइम आई यूज़ आई लैश वेरी रेयरली, बट इन माई नॉर्मल रूटीन आई जस्ट यूज दिस मस्कारा. एंड अब ऑल आई यूज़ दिस लिप बाम, हमेशा अप्लाई करें इवन इन विंटर्स और समर्स. विंटर्स में स्पेशली आपको पता है लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो मैं इसको लाजमी लगाती हूँ, लिप बाम लगा के उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ और काफ़ी देर तक स्टे कर देती हूँ. अच्छा, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो लिपस्टिक खा जाती हैं, उनमें से मैं एक हूँ. आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है कि आपकी लिपस्टिक कितनी देर स्टे करती है और आप लिपस्टिक खाती हैं या नहीं रहती है. मेरी बहुत जल्दी जो है वो लिपस्टिक इधर उधर हो जाती है. और इसके अलावा मेरा ये आईलाइनर है, सेफोरा का है और ब्राउन कलर में है. आई यूजली लाइक ब्लैक एंड ब्राउन बोथ आईलाइनर्स. और इसके अलावा मेरा काजल, हाशमी काजल. ये अगर वेस्टर्न लुक हो तो मैं ब्लैक काजल यूज़ नहीं करती हूँ मोस्टली, फिर मैं वाइट आईलाइन जो है वो यूज़ करती हूँ. बट इन ट्रेडिशनल लुक आई डेफिनेटली यूज़ काजल. और वैसे भी मेरी आँखें थोड़ी बड़ी बड़ी सी हैं, तो काजल लगाती हूँ तो और बड़ी लगती है. तो लगता है मुझे मेरे पास एक और है मेरा ब्राउन आईलाइनर. दो इसमें से आईलाइनर निकल चुके हैं, मतलब दो मस्कारास निकल चुके हैं. और मेरा ये एक्वा का लिक्विड आईलाइनर है, ये ब्रश के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छी लुक आती है. और दिस इज माय वन मोर कंटोर स्टिक यू कैन इवन से. और मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने डार्क सर्कल्स कवर करने के लिए, तो दिस इज़ वेरी मच बेनिफिशियल. और ये काफ़ी स्मॉल सी है, इजीली मैं अपने पास इसमें कैरी कर लेती हूँ. और इसके अंदर मेरा एक और आईलाइनर निकला है, मतलब टोटल 4 आईलाइनर मैंने इसके अंदर रखे हुए. तो दिस वन इज़ द इफ़ आई एम नॉट हैविंग टाइम, ठीक है, कि मैं अपना लिक्विड ब्लैक आईलाइनर नहीं लगा सकती, तो मैं सिंपली इसको अप्लाई कर लेती हूँ. दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी. और इसके अलावा क्या है, इसके अंदर ही खुदा ब्यूटी का ये रेड शेड है, लिप ग्लॉस का. लिपस्टिक्स मुझे इसमें हैं, कुछ और भी निकलेंगे अभी. और ये एक बहुत मज़े का तिलक का है, मेरी बहुत प्यारी सी आपी है जो लड़ा नहीं होती है,
cosmetics. So ये red shade है इतना मज़ेका इसको apply करके even अब आप कहेंगे मज़ेका कैसे है ये लगा के बता चलता है लड़कियाँ बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं. और एक और है मेरे पास ये ELF का hair gloss, ये भी बहुत मज़ेका है. I like it और purple color में है, मतलब कुछ shades के अंदर मैंने रखी होती हैं. ये एक मेरा एक और lip gloss है, this is in peach color, I like it. One more lipstick. So in my this box I'm having, you can say, four lip colors, five eyeliners, and no, I was having five lip colors. So I'm going to put this in the box. So this is a very quick one. So I've been using it for a while. 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 लोशन मॉइस्चराइज आपको अपनी स्किन को करना चाहिए. दी बॉडी शॉप से है ये, और थोड़ा सा आप लाजमी लें अपने हाथ पे और पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें, फिर उसके बाद आपने आना है प्राइमर की तरफ, स्टिक की तरफ. और मेरा कॉम्पैक्ट इसमें नहीं पड़ा हुआ, जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरे हैंड बैग में है अभी, मगर ये कि मैं उसको लाजमी यूज़ करती हूँ सारा कुछ ओके करने के बाद. और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो इसके अंदर पड़ी हैं. ओपन भी कंट्रोल स्टिक, इसमें ये सारे शेड्स हैं. तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ. यूजुअली आई गो फॉर नॉट टू मच डार्कर शेड्स. कंट्रोल में भी मैं थोड़ा सा जो कम डार्क होता है, ये भी नहीं बिल्कुल लाइट, तो इसमें से मैं कुछ शेड्स यूज़ करती हूँ. अगर पिंपल्स हों तो फिर मैं ये ब्लूश एंड पिंक शेड में जाती हूँ, उनको कवर अप कर लेती हूँ. एंड दिस वन इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत बड़ी भी नहीं है और साइज में भी ओके है और वैसे भी. ये एक आई शेडो किट है जो है मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ. इसके अंदर जितने भी शेड्स हैं ये मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. इसमें गोल्डन है और ब्राउन भी है, एक पिंकिश भी है, तो मेरे लिए ये बहुत कन्वीनियंट रहता है. आई ऑलवेज कीप दिस नाइन आई शेड्स हैं. इसके अंदर कुछ शाइनी एंड ग्लिटरी भी है. और अभी ये मेरा बात है खुलूँगी. इसके अलावा मेरे कुछ ब्रशन हैं तो इसमें मैंने ओपन ही रखे हुए हैं. माई ब्लश एंड ब्रश, माई आई शेडो ब्रश, my eyeliner brush and fan brush, four brushes. ठीक है, बाकी मैं manage कर लेती हूँ. and I can use my finger. then I'm having this one blush. this is also from Stella and और ये color है water lily. this one is really amazing. trust me, this one is really amazing. और I'm having my perfume. आप perfume का size check करें. एक्चुअली आई एम इन लव विद द स्मॉलेस्ट थिंग. मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं. बचपन से लेके अभी तक मुझे जहाँ भी कोई छोटी चीज़ नज़र आती है, बहुत जो छोटी होती हैं अट्रैक्ट करती हैं. बट आई एम हैविंग दिस वन इन माई बैग. अगर मेरे पास और कुछ नहीं है एंड इफ आई हैव फॉरगॉट माई परफ्यूम, एटलीस्ट मेरे पास कुछ हो जो मैं यूज़ कर सकूँ, तो मुझे पता होता है कि हाँ इसके अंदर ये मौजूद है. तो अभी मेरे बैग के अंदर ये चीज़ें कम्प्लीट हो गई हैं. इसके अंदर मेरे सारे लिप शेड्स हैं, सारे नहीं हैं, लाइक कुछ सब है. यू कैन सी स्पेसिफिक जो मैं यूज़ करती हूँ, एक ही मेरी लिप पेंसिल है, काफ़ी अच्छा सा शेड है पर्पल टाइप. और ये मेरी है एक मेड लिपस्टिक है. आई रियली लाइक मेड लिपस्टिक्स, मुझे शाइनी शाइनी अच्छी नहीं लगती है. बट आई यूज आई एम हैविंग ब्यूटी के जितने भी लिपलॉस हैं, सारे भी बड़े हैं. वो मैं आपको अपना जो एक घर में बड़ा वाला मेकअप बॉक्स है वो अलग से दिखाऊँगी. ये एक क्विक है, इसके अंदर सब कुछ मौजूद होता है जो मुझे चाहिए होता है. तो ये बहुत मज़े का कलर है, काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, थोड़ा सा रह गया. बट आई लाइक दिस वन. अभी मैंने वैसे ये अप्लाई नहीं किया था, अभी मैंने भी बहुत अप्लाई किया. हाँ, इसमें से एक और होता ब्यूटी का निकला है, पिंक कलर का ये शर्ट है, बहुत अच्छा है. और ये टू साइडेड लिप ग्लॉस है. जब बहुत जल्दी हूँ तो टाइम नहीं है लिपस्टिक को सेट करने का, तो जल्दी से लिप ग्लॉस लगाया. आप ये सोच रहे होंगे इतनी जल्दी से होती है, तो मैं आपको बताती हूँ जितनी जल्दी क्या होती है. और है रेड कलर का शेड है, लिप ग्लॉस है ये भी, और ये 24 आवर्स स्टिक करता है, दिस इज़ गारंटेड. और ये अब मुझसे सब पूछा जाएंगे कि ऐसा कौन सा है. एक्सल का है, ये एक्सल का है. और ये भी मुझे, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था एंड आई एम कीपिंग इट फ्रॉम यू कैन से लास्ट 3 ईयर्स. आई एम हैविंग इट एंड आई सिंपली लव इट. आई एम हैविंग वन मोर
this one is shocking pink and is a shiner hai jo maine kabhi use nahi kiya aur ye bhi kafi der stick karta hai. Main usually un cheezon pe rely karti hu jo zyada der stick kar jaye, kyunki agar main subah mein ghar se nikal rahi hu and I want my lipstick or lip gloss to stay, to main lipstick apply karne ke baad definitely kisi na kisi lip gloss ko apply kar leti hu taki mera lip color jo hai wo zyada der stick kare. Aur ek aur nikal aaya hai Huda Beauty ka hi hai, ye department mein aur ye maroon color mein hai. Aur iske alawa kya hai, bas finally do jo hai ye एयरबड्स रखे होते हैं मैंने हमेशा अपने पास, यू नो कि अगर लाइनर ख़राब हो गया या कहीं से कुछ रिमूव करना है, सो वी शुड कीप ऑलवेज एयरबड्स इन आवर बैग. और यहाँ पे फाइनली कुछ हेयर पिंस जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं. हेयर पिंस भी होनी चाहिए, अगर अचानक से कोई हेयर स्टाइलिंग का मूड हो जाए, गाड़ी पिन की ज़रूरत हो तो हमारे पास होनी चाहिए. हाँ तो ये था मेरा बड़ा बक्स. एक जो चीज़ होती है जो आपको हमेशा अपने पास की कोई भी बैग लेंगे, मैंने 3 बैग रखी हुई है चीज़ अंदर, वैसे तो मिक्स एंड मैच ही बड़ी हुई है. मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो वैसे उस टाइम लगाती हूँ और अंदर से वैसे इसके पहन देती हूँ. मतलब मुझे पता होता है एटलीस्ट कि मेरे इस बैग में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और मुझे कुछ कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारा जो भी प्लान होता है घर करने का तो मोस्टली सडनली बनता है. मैं इसको रिसर्व कर रही हूँ साथ साथ, इसको क्या मसला होगा फिर तो इस तरह आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करके रखा करें. आपके लिए भी होती है और आपके साथ जो जुड़े हुए होते हैं उनको भी दिन रात टेंशन नहीं होती. तो मैं तो अच्छा, और मेरे मेकअप के भी टाइप्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी. मेरा एक 5 मिनट वाला मेकअप है, एक 30 मिनट्स वाला मेकअप है और एक 1 घंटे वाला मेकअप है. 5 मिनट वाला मेकअप मेरा वो होता है जो मैंने अभी किया हुआ है. अभी मैंने नो मेकअप लुक दे दिया अपनी, तो इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल हो गई है अभी. सो इंशाल्लाह आई विल कैच यू लेटर. स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो यू शुड सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट इट एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. अल्लाह हाफ़िज़.